छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ वुमेन्स टी20 की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है पर छत्तीसगढ़ रेड वुमन वर्सेस गोवा वुमन सीसी के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस मैच की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से आपको KCA वुमेंस T20 के वीडियो मिलेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर ECS T10 के वीडियो मिलेंगे, इसके साथ साथ यहाँ से आपको मलेशिया T20 जो शुरू हो रही है थ्री सीरीज उसके KCC T20 T10, तो मतलब बहुत सारी मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे भी आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच सुबह में 11:30 पर शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहां पर बैलेंस है, हालांकि रन्स इतने अच्छे बनते नहीं है दोनों ही मैच के अंदर। आई थिंक शायद हाईएस्ट 119 के आसपास है, कुछ 111 या 119 कुछ आसपास है, ज़्यादा स्कोर बनेगा नहीं। एवरेज यहाँ पर 120 मान के चल सकते हैं, हालांकि रेयर केस में यहाँ पर बड़े स्कोर भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज यहाँ पर इतना ही स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। बाकी यहाँ पर 6 मैचेस डोमेस्टिक खेली गई है, जहाँ पर 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है, 4 बार यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है। यहाँ पर ना IPL भी होती है, इस ग्राउंड के ऊपर IPL भी खेली जाती है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल ने यहाँ पर 164 रन किए हुए, 5 विकेट घुमा के। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो CSK का लोएस्ट स्कोर है यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर 119, हालांकि पिछली मैच के अंदर इससे भी कम स्कोर हुआ था, लेकिन इस टूर्नामेंट से पहले की बात है जहाँ पर लोएस्ट स्कोर 119 रन हुए थे। बात करें हम लोग यहाँ पर सबसे पहले CRD की। देखो CRD का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि क्लब वाइज जो भी प्लेयर जिस नंबर पर बैटिंग करता है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी अपनी एक यहाँ पर क्या बोलते हैं ना बैटिंग ऑर्डर बना सकते हो। लेकिन मेरी थिंकिंग के हिसाब से यहाँ पर दीपिका तिवारी और मनप्रीत कौर गिल ओपनिंग करवा सकते हैं। देखो दीपिका तिवारी की बात करूँ तो जहाँ से मैंने इनके रिकॉर्ड्स लिए वहाँ पर वो वन डाउन खेल रही है, तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर खेलती है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि ये ओपनिंग करेंगी, 99% चांसेस है कि ये ओपनिंग करेगी। 33 मैच के ना करीब 40 की एवरेज से 591 रन है और 21 विकेट है, 44.3 ओवर्स की गेंदबाजी करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की बेस्ट चॉइस रहेगी, काफ़ी अच्छी प्लेयर है, यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों इसे एडवांटेज देंगी। सेम चीज़ यहाँ पर मनप्रीत कौर गिल के बारे में भी, इनका यहाँ पर ODD के रिकॉर्ड्स है और आई थिंक यहाँ से ये जो रिकॉर्ड्स है ना आई थिंक 2021 या 22 के आसपास के हैं। 10 मैच खेले जहाँ पर 311 रन है, 7 विकेट है, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, डेफिनेटली इनको भी लेके जाना है। इसके अलावा ऐसे सृष्टि शर्मा जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म आउटफॉर्ड गेंदबाज है, करीब 39 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 14 विकेट इन्होंने 21 मैच करने निकाली है, साथ में यहाँ पर करीब 27 के एवरेज से 396 रन भी है। ये रेगुलर वन डाउन खेलने वाली प्लेयर है, तो आई थिंक ये वन डाउन ही खेलेगी, ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे तो आई थिंक इन तीनों को हम लोग टॉप में से लेके जाएंगे। इसके अलावा ऐसे जगेश्वरी पटेल, अभी देखो ये क्या करती है, ये यहाँ पर ओपनिंग करती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर ये दोनों को होते हुए ये ओपनिंग आएगी। बाकी 2 चांसेस और है ओपनिंग करवाने के, कौन है देखो, एक तो यहाँ से जागेश्वरी पटेल ये अपने क्लब की तरफ से ओपनिंग करवाती है, एक और है यहाँ पर और वो है यहाँ पर हरप्रीत कौर, जो कि इनके दो मैच के रिकॉर्ड मिले T20 के अंदर, वो 6-7 नंबर पर है, लेकिन उनके जो 50 ओवर्स के और जो वनडे मैचेस की बात करूँ ना तो वहाँ पर इन्होंने ओपनिंग करवाया हुआ है, तो इसको भी शायद खेलाएंगे तो ओपनिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ से जगेश्वरी पटेल तो ठीक ठाक रहेंगी, 21 मैच के करीबन 16 के एवरेज से 228 रन है, 5 विकेट है, 15 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई है, अगर कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई करिएगा। बाकी शिवानी कृष्णा काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगी, ज़्यादातर ये मिडल ओवर्स में 5वें या 6 नंबर पर खेलती है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, 10 मैच के अंदर 139 रन है, ठीक ठाक है, अगर कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई करिएगा। इसके अलावा ऐसे बरखा चंद्रवंशी, ये भी शायद बैटिंग से ऊपर आ सकती है, इनको भी ध्यान में रखिएगा, वैसे 4 मैच के अंदर इन्होंने 86 रन किए जहाँ पर करीब 43 के एवरेज से, जहाँ पर हाईएस्ट की बात करो तो इनके 36 हाईएस्ट है,
इनको भी ध्यान में रखिएगा, प्लेयर अच्छी है लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि नीचे ही खेलेगी क्योंकि वहाँ पर भी वो छठे नंबर पर ही थी। संजीता पटेल की बात करें, संजीता पटेल यहाँ पर 8 मैच के करीबन 18 के वजह से 86 रन है, 4 विकेट है। अगर कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी रितु मेश्राम ये भी यहाँ पर ODD खेले हुए हैं तो इनको भी डेफिनेटली लेके जाएंगे आप लोग। यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। इसके अलावा से दीप्ति धीमर अगर कोई चॉइस हमें ले तो ट्राई करेगा क्योंकि ये यहाँ पर 2 से 3 या फिर 3 से 4 ओवर्स की गेंदबाजी पूरी करवा सकती है। 21 मैच के अंदर 14 विकेट है, 63.1 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए। सेम चीज़ यहाँ पर प्रतिज्ञा सिंह के बारे में भी, 28 मैच के अंदर 19 विकेट है, करीब 85.2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए। इसके अलावा ऐसे उर्मिला हरीना जो कि यहाँ पर ODD खेले हुए, तो यहाँ पर देखो मैं मुझे ये दो इंपॉर्टेंस लग रही है यहाँ पर रितु मेश्राम और उर्मिला हरीना क्योंकि ये स्टेट लेवल की प्लेयर है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की तरफ से स्टेट लेवल के मैचेस खेलते हुए आ रही है, तो इन दोनों को जरूर ट्राई करेगा। बाकी इन दोनों में किसी एक को आप लोग अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं। बेंच में से जैसा कि मैंने यहाँ पर हरप्रीत कौर के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और बाकी के इन दोनों प्लेयर में से कोई खेल सकता है, जो भी प्लेयर खेलेगा अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। GWCC जो कि एक मैच खेली है और जीत के आ रही है, इनका एक मैच ऑलरेडी हो चुका है। ओपनिंग में यहां पर पूर्वजा वार्लेकर के साथ यहां पर तरन्नुम पठान ने ओपनिंग करवाया। अब देखो अगर पूर्वजा वार्लेकर की बात करें तो 9 मैच के अंदर करीबन 18 के एवरेज से 139 रन है, लास्ट मैच के अंदर 12 रन किए। ट्राई कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। तरन्नुम पठान जो कि हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे। देखो ये ना बड़ौदा की प्लेयर है और अपने जो इरफान पठान और यूसुफ पठान दो भाई है ना, इनकी भतीजी है आई थिंक, शायद ये इनकी भतीजी है और काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है और यहाँ पर इनको ओपनिंग करवाने का चांसेस मिला। हालांकि इससे पहले वाली एक टूर्नामेंट थी जहाँ पर वो मिडल ऑर्डर्स में खेलती थी, वहाँ पर इनका बैटिंग ऑर्डर बैटिंग से परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही चांसेस है कि वो टॉप में ही खेलेंगी, तो आई थिंक कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस है तरन्नुम पठान। इनके अलावा ऐसे येत्रेकर सुनंदा की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी और इनके ऊपर भी आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का रिस्क ले सकते हैं। 42 रन किए, 4 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई जहां पर वो विकेट लेस रही, लेकिन ओवरऑल 6 मैच करने करीबन 39 एवरेज से 153 रन है, 5 विकेट है, 21 ओवर्स की गेंदबाजी करते हो तो रेगुलर यहाँ पर 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करेंगी, तो ये दोनों ही हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली, दोनों को हमें एज अ प्लेयर लेके भी जाना है, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए दोनों बेस्ट है। पहली चॉइस यहाँ पर तरन्नुम पठान है। इनके अलावा ऐसे संजुला नायक जो कि की कप्तान है, 13 मैच के अंदर करीब 40 के एवरेज से 354 रन है, 14 विकेट है, लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई। ध्यान में रखिएगा इस प्लेयर को जरूर लेके जाना है, आपको एक बड़ा एडवांटेज इनकी तरफ से मिल सकता है। लास्ट मैच के अंदर इनकी विकेट जल्दी नहीं गिरी थी और आई थिंक 3 प्लेयरों ने ही बैटिंग की थी, तो इसके अलावा यहाँ पर ये आज बैटिंग करते हुए नजर आ सकती है संजुला नायक। इसके अलावा ऐसे विनवी गौरव को हम लोग लेके जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से क्योंकि कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप बैटिंग से थोड़ी बहुत एडवांटेज दे सकती है। इसके अलावा ऐसे श्रेया सुभाष परब जो कि लास्ट मैच में ओवर्स नहीं करवाया, बाकी 29 मैच के अंदर करीबन 97 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 20 विकेट है, करीब 25 के एवरेज से 539 रन है। अगर कोई चॉइस है मिले तो ट्राई करेगा क्योंकि लास्ट मैच के अंदर उनको चांस मिला नहीं बैटिंग से कोई खास, लेकिन आगे अगर बैटिंग से या बॉलिंग से चांस मिला तो ऐसे बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। शिखा पांडे को भी आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, इंटरनेशनल प्लेयर है, टीम इंडिया की तरफ से खेल चुकी है और कई बार यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से यहाँ पर टीम इंडिया को जीता चुकी है। लास्ट मैच के अंदर बैटिंग तो नहीं आई लेकिन अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट थी आई थिंक शायद जोन वाइज जो खेली जाती है ना नॉर्थ जोन, वहाँ पर ये 1 डाउन या 4th नंबर पर बैटिंग के लिए आती थी, तो ध्यान में रखिएगा बैटिंग से कभी भी ऊपर आ सकती है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो एज अ प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पिक। पूर्वा बैटकर की बात करो तो इनको डिफरेंशियल में ट्राई करिएगा, हालांकि ये भी बैटिंग करवा सकती है लेकिन बैटिंग से चांसेस बहुत कम मिलेगा। दीक्षा गवड़े मुझे ठीक ठाक लग रही है, अगर कोई चॉइस मिले तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं। बाकी प्रियंका कौशल जो कि एक अच्छी विकेट है यहाँ पर, ओवरऑल 2 मैच के अंदर 3 विकेट, 8 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए भरोसा कर सकते हैं। बाकी तनाया नायक जिन्होंने लास्ट मैच में ओवर्स नहीं करवाए बाकी ठीक ठाक है, ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे। स्टार्टिंग में यहाँ पर शिखा पांडे और पी बैदकर, डेथ ओवर्स में यहाँ पर शिखा पांडे के साथ तरन्नुम पठान डेथ में भी आ रही है और इनके अलावा बेंच में से भी कोई भी प्लेयर खेलेगी तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना और कौन से प्लेयर को हम लोग कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हम लोग वी गौरव के साथ जा रहे हैं, यहां से आप लोग कृष्णा को ले सकते हैं। देखो कृष्णा इस टीम की तरफ से यहां पर टॉप में खेल सकती है CRW की तरफ से क्योंकि ये स्टेट लेवल के प्लेयर है, यहां पर छत्तीसगढ़ की तरफ से स्टेट लेवल की मैचेस खेलती है तो इनको ध्यान में रखिएगा। बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो यहां पर पी वार्लेकर, डी तिवारी, यहां पर एम कौर गिल, एस नायक और इसके साथ यहां पर एस शर्मा हमारी टीम के अंदर रहेंगे और बाकी तो यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर ठीक ठाक है। देखो एस शर्मा हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड है,
बाकी वो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर तरन्नुम पठाने, आर मेशराम है, एस येत्रेकर और इसके साथ मैंने यहाँ पर तीन ही प्लेयर लिए, बाकी एस पटेल को आप लोग ले सकते हैं, मैं यहाँ पर इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर शिखा पांडे और यहाँ पर उर्मिला हरिना हमारी टीम के अंदर रहेंगी, बाकी आप लोग बैठकर या कौशल को ट्राई कर सकते हैं। बाकी एक और ऑप्शन है वही ओवर यहाँ पर डी धीमर, काफ़ी अच्छी प्लेयर है, इनके ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं। टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, कप्तान रहेंगे हमारे ऐसे तरन्नुम पठान, वाइस कैप्टन रहेंगे मेरी ऐसे डी तिवारी। इसके अलावा चॉइस की बात करूँ तो चॉइस में यहाँ पर एक है एस येत्रेकर और शिखा पांडे। देखो इन चारों प्लेयर के ऊपर ही रिस्क लेना है, चारों प्लेयर में से किसी भी प्लेयर को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो और बाकी के सारे ऑप्शंस रिस्की रहेंगे। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, इसमें कुछ बदलाव वगैरह रहेंगे तो फाइनल टीम टेलीग्राम में दे दूंगा मैं आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना है। साथ ही में यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली और अच्छे भी चीज़ के वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।